हंगरी की राजधानी? बुडापेस्ट। ठीक है, बताओ तुम बताओ, वर्ष भारत में 1977 में चुनाव हुए थे, उसमें किस पार्टी को बहुमत मिला था, कौन सा पार्टी जीत गया था उस पार्टी में? जनता पार्टी। ठीक है, बताओ जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उस देश क्या कहते हैं? विकसित। क्या कहते हैं? विकसित। तुम बताओ रे, मानस नेशनल पार्क कहाँ है? असम। बताओ भारत का केंद्रीय बैंक कौन है रे? बताओ। आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? 1935। 1 अप्रैल 1935। जनवरी नहीं, अप्रैल। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। तुम बताओ जी, कंपचुड़िया का नया नाम क्या है? पुराना नाम कंबोडिया। कंबोडिया। बताओ जिनेवा समझौता कब हुआ था? जिनेवा समझौता 1954 में हुआ था। ठीक है, 1954 में। बताओ मीन कैंप किसकी आत्मकथा है? मीन कैंप हिटलर की है। ठीक है, बताओ कार्ल मार्क्स जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी। कार्ल मार्क्स से दो पुस्तक नाम बताओ। दास कैपिटल मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दोनों कार्ल मार्क्स ने लिखा। बताओ द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? फन वाउ चाओ। ठीक है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। रूस का। बताओ वार एंड पीस किसने लिखा है? लियो टॉल्स्टॉय। बताओ विश्व में सर्वप्रथम साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस में। बताओ यूरोप का मरीज किस देश को कहते हैं? तुर्की। बताओ इधर देखो, लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924। बताओ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। ठीक है, बताओ तुम बताओ काउंट काबुर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। यंग बताओ रे, यंग इटली की स्थापना किसने किया? मेजनी ने। ठीक है, लाल कुर्ती का ग्रहण किसने किया? लाल कुर्ती ट्रॉल्स्की। गैरिबाल्डी। किसने शुरू किया था? गैरिबाल्डी ने शुरू किया था। बताओ गैरिबाल्डी प्रदेश क्या था? नाविक। जार्वनिक संस्था थी? व्यापारियों की। किसके है? व्यापारियों की। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917। तुम बताओ लखनऊ संधि कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन। बताओ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था? 1877। किसने शुरू किया? लॉर्ड लिट्टन। किसने बंद किया? लॉर्ड रिपन। और क्या हुआ था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में? मैंने भारत की मीडिया पे बैन लगा देगा, भारत की मीडिया को बैन कर दिया गया था। ठीक है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? हम्फ्री डेवी। बताओ रे तुम, सबसे अधिक जूट मिले कहाँ है? सबसे अधिक जूट मिले पश्चिम बंगाल। सबसे जूट होता कहाँ है? पश्चिम बंगाल। दूसरा बताओ भारत में सबसे पहला फैक्ट्री एक्ट कब हुआ? भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट 1881। तुम बताओ एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया? पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था, नहीं पता है। बताओ नेक्स्ट, बताओ तुम नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास कैपिटल किसने लिखा है? कार्ल मार्क्स ने लिखा है। ठीक है, बताओ वैज्ञानिक समाजवाद का पिता किसे कहते हैं? अप्रैल थेसिस किसने शुरू किया था? लेनिन ने। बताओ लेनिन का जन्म कहाँ हुआ? लेनिन का जन्म कहाँ हुआ? रूस। ठीक है, तुम बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस। वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969। SBI की स्थापना कब हुई? 1955। RBI की? 1935। तुम बताओ
बीमारू राज्य कौन नहीं है? कर्नाटक। कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। बता, सूचना का अधिकार शुरुआत किस देश, किस राज्य से हुई? राजस्थान। ठीक है, बताओ मंदार हिल कहाँ पे है? बांका। ये सवाल तो आ गया, दोबारा रिपीट। नेक्स्ट बताओ कि बिहार में कितने परसेंट क्षेत्र वन का फैलाव है? 7%। बताओ बता रहे, मलबों के नीचे दबे लोगों का पता किससे लगाते हैं? इंफ्रारेड कैमरा। बताओ महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम जानते हैं? सुनामी से। किसे बोलते हैं? सुनामी। बता रहे, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब और किस आंदोलन में हुआ? बारदोली में। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? 1938 नहीं, 1928। बताओ लेनिन के तीन नारे बताओ कौन कौन है? भूमि, शांति और रोटी। भूमि, रोटी। ठीक है, बताओ सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? हम्फ्री डेवी ने किया था। बताओ इनमें कौन, किसे भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं? भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को। ठीक है, बताओ काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? कहाँ पे है? असम में है। तो मतलब ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत मतलब किस क्षेत्र में होती है? दूध के क्षेत्र में। और ऑपरेशन फ्लड कब शुरुआत हुआ बताओ? ये बता दो किसने शुरुआत किया? नहीं याद है? वर्गीज कुरियन जिसे हम मिल्क मैन भी कहते हैं, वर्गीज कुरियन ने किया था। तुम बताओ रे, मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन का नाम बताओ? एड्रीन। ठीक है, तुम बताओ मैग्नीज के द्वारा भारत का स्थान विश्व में कमा है? द्वितीय। ठीक है, बता दो रबी फसल के दाम बताओ? गेहूं मक्का। खरीफ फसल बता दो? धान। वेरी गुड। तुम बताओ मरुस्थलीय मृदा का विस्तार सबसे किस राज्य में है? राजस्थान। बताओ रूसी क्रांति के समय वहां का शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय। बता रहे सेडोवा का युद्ध कौन किसके बीच होता? फ्रांस और प्रसा के बीच। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसे RSS कहते हैं, तो उसका स्थापना कब और किसने किया? 1925। कसके बोला? 1925। के बी हेड गवा। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, भारत के केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं? RBI की स्थापना का बताओ? 1935। बताओ वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969। बताओ सूचना का अधिकार कब हुआ सर? बताओ सूचना 2005 राजस्थान। 2005 राजस्थान। बताओ मंदार हिल कहाँ पे है? बांका जिला। बताओ बिहार में अति जल शोषण से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है? कंबोडिया। बता रहे सन 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किसने किया? के एम पन्नीकर। बताओ आर्थिक संकट सब कहा शुरुआत हुआ? अमेरिका में। ठीक है, कब शुरुआत हुआ बताओ? 1929। बताओ तुम बताओ पूजा कुमारी, पक्की सड़कों की लंबाई में सर्वप्रथम किस राज्य का प्रथम स्थान है? महाराष्ट्र। बताओ तमिलनाडु के किस पहाड़ी पर चाय और कॉफी की खेती होती है? नीलगिरी की। बता रहे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? बताओ तुम बताओ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986। बताओ उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 15 मार्च। तुम बताओ विश्व योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून। बताओ एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च। पर्यावरण दिवस 8 मार्च, गलत, 5 जून। कब मनाते हैं बताओ? महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, बताओ कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? अलगाववाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, बताओ कार्ल मार्क्स कहाँ जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी।
बताओ नरोत्तम सिंह यू कहाँ के शासक राजा थे? कंबोडिया से। कौन गेली बेली प्रेसिडेंट क्या थे? नाभी। सूखा किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा। ठीक है, तुम बताओ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? लाहौर। बताओ लाहौर अधिवेशन 1929 लाहौर अधिवेशन। ठीक है, बताओ रोलेट एक्ट कब हुआ? 1919 में हुआ था। रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट रे 1919 में हुआ था। की कहलियो है वो अदबन प्रोफेसर कहलिए। बताओ हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा है? महात्मा गांधी। एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसने लिखा है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 1869। कहाँ पर? गुजरात के पोरबंदर जिला में। ठीक है, बताओ गदर पार्टी का सामना किसने कब किया? 1913 में लाला हरदयाल ने। बता रहे स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। हाँ, बताओ जमशेदपुर कहाँ स्थित है? जमशेदपुर कहाँ? झारखंड में। ठीक है, बताओ बिहार में कितने परसेंट क्षेत्र पवनों का फैलाव है? 7%। बताओ नर्मदा बचाओ आंदोलन के किसने शुरुआत किया था? बताओ नहीं पता है। मेगा पाटकर। किसने शुरुआत किया था? मेगा पाटकर। बताओ भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत। बताओ बिहार की अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र डिपेंड करती निर्भर करती है? बताओ कृषि। कृषि। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। बताओ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसमें है? अमेरिका। अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। बताओ बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आए है? बिहार की बात करें तो गोवा। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 दिसंबर 2000 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर भारी भूकंप आया था? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। तुम बताओ रे पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? लाहौर अधिवेशन 1929। और उसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। बताओ भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नहीं, तुम जो ये क्वेश्चन अभी बोला वो गलत है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कौन से किस अधिवेशन इसका उस समय अध्यक्ष जो थे मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? ठीक है, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, सब ध्यान रखना। बताओ